गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जा रहे हैं एक जगह है जिसका नाम है नाग टिब्बा और अभी फिलहाल मैं मैगी पॉइंट पर खड़ा हूँ। हम काफ़ी देर से राइड कर रहे थे तो थोड़ा सा पेट पूजा करी हमने और इस व्यू का मज़ा ले रहा था मैं काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हैं। और वो रही पूरी मेरी टीम जो कि वहाँ वेट कर रही है। तो अब हम निकलने वाले गाइस नाग टिब्बा में, मिलते हैं सीधे मसूरी पे। तो गाइस काफ़ी अच्छा व्यू हो रहा है, रास्ता काफ़ी साफ है। वो लोग थोड़ा आगे निकल गए हैं क्योंकि मैं थोड़ा टिफिन विफिन पैक कर रहा था, तो फटाफट से उन्हें पकड़ता हूँ नहीं तो वो आगे निकल जाएंगे गाइस। तो आगे आते आते अभी इनको पकड़ा बड़ी मुश्किल से, बहुत तेज़ गाड़ी भगाई ताकि इनके पास पहुँचूँ क्योंकि सब के सब साथ में चल रहे हैं तो साथ में चलना ज़रूरी है। तो गाइस आपको व्यू का बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि नज़ारे बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं गाइस। तो चैनल पर बने रहिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइस अभी हमें जाना है सामने जो पहाड़ आपको दिख रहा है उस तरफ, और उससे पीछे की तरफ आएगा मसूरी, तो मसूरी के बाद आता है कैंपटी फॉल। तो इस रास्ते के द्वारा हमें जाना है पंतवाड़ी। तो गाइस अभी हम आए हैं कोलू खेत, तो सामने आपको दिख रहा होगा सामने पहाड़ी पे वो है मसूरी। और टाइम भी ठीक ठाक हो गया है, 12 बजे के बाद हम निकले थे। काफ़ी अच्छा व्यू हो रखा है, खेत कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो गाइस कितना सुंदर है कोलू खेत। वो सारी रेंज आपको दिख रही है सब मसूरी है, बहुत प्यारा व्यू लग रहा है, आज मौसम साफ लग रहा है। तो चलते हैं अब आगे गाइस। तो कोलू खेत से हम गए हैं निकल और फटाफट आगे पहुंच गए हैं मसूरी के, पहुंचने वाले हैं हम लोग, अभी रास्ते में ही हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है राइड पे गाइस, और काफ़ी आगे भी जाना है। और चलते चलते अभी मसूरी रोड के पास हम पहुंचने वाले हैं। काफ़ी स्पीड में हम लोग निकले थे तो एनर्जी सबके अंदर बरकरार है, बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। और रास्तों का आनंद लेते हुए हम जा रहे हैं और यहाँ पे आके अब जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको हाथी पाँव का बोर्ड मिलने वाला है और यहाँ से हमें जाना है सीधा सामने की तरफ। और पीयूष आया है अपनी हिमालयन में और सबके सब अभी डिसाइड करें कि इस रास्ते जाएं या मसूरी के ऊपर रास्ते से, तो हम हाथी पाँव से जाने वाले हैं। तो गाइज चलते हैं अब हाथी पाँव वाले रास्ते में और देखिए सामने हाथी पाँव का जब रास्ता आएगा तो इतनी हरियाली आपको मिलने वाली है। तो इन पहाड़ों का जो नज़ारा है उन देखने लायक है, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा होता है यहाँ का। तो आप जब भी गर्मियों में आएंगे आपको ऐसा दिखने वाला है नज़ारा यहाँ पे, आप ट्रिप के लिए आएँ तो आप देखेंगे आपको हर जगह हरियाली मिलने वाली है गाइस, बहुत ज़बरदस्त। देखो सामने की तरफ कितना प्यारा व्यू है, इतने अच्छे पहाड़ हैं, ऊपर बादल लगे हुए हैं। तो चलते हैं गाइस सामने और आगे। तो सामने अभी निकलते हुए हम लोग हाथी पाँव वाले रास्ते से मसूरी क्रॉस करेंगे क्योंकि मसूरी हमारा राइट हैंड की तरफ पड़ता है और लेफ्ट हैंड पे आपका हाथी पाँव पड़ता है। तो हाथी पाँव क्लाउड एंड का रास्ता सेम है और अभी हम लोग आगे निकल गए हैं हाथी पाँव से, क्लाउड एंड हमने क्रॉस कर लिया है, हाथी पाँव से हम आगे निकल चुके हैं क्योंकि हमें जाना था मसूरी के ओल्ड रास्ते से जहाँ से शॉर्टकट पड़ता है कैंपटी फॉल का। तो हम कैंपटी फॉल वाले रास्ते पे निकलेंगे यहाँ से, तो काफ़ी अच्छा रास्ता है, ये भी काफ़ी सुंदर रास्ता है गाइस, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से रोड भी काफ़ी ठीक ठाक है, इतनी ख़राब रोड नहीं, सीमेंटेड रोड है गाइस। तो यहाँ से हम आ गए हैं मसूरी के बैकवर्ड एरिया में, बैक साइड एरिया है रोड का, तो कैंपटी फॉल के लिए रोड खुलती है पूरा, अंदर से आप घूम के आएंगे तब आपको समझ में आएगा। और यहाँ से भी हम आ गए हैं कैंपटी फॉल वाली रोड पे, और कैंपटी फॉल वाली रोड पे आपको मिलने वाला है ये नज़ारा। वहाँ के जो पहाड़ हैं उनमें पेड़ वेड़ बहुत कम मिलेंगे आपको उस एरिया में क्योंकि ये बहुत हाइट पे पहाड़ हैं और काफ़ी कम उस रेंज में पहाड़ियाँ में काफ़ी कम पेड़ हैं। और हम लोग जब से जा रहे हैं तो अभी मेरी जो टीम जो साथ में थी हमारी पूरी जिम की वो आगे निकल चुकी है और इनको पकड़ना बहुत मुश्किल पड़ रहा है क्योंकि बहुत तेज़, कोई बहुत तेज़ जा रहा है, कोई बहुत स्लो जा रहा है, कोई पीछे रह रहा है, कोई आगे रह रहा है, तो मैं इन बिटवीन चल रहा हूँ गाइस। तो ये अभी सारे के सारे लोग ट्रिप पे जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो सबके सब सैटरडे इन्जॉय करने वाले हैं। और सामने जैसा कि मैं देख सकता हूँ नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रहे हैं। तो गाइस नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रहे हैं और अभी भाई हमें पूछ रहे थे कि आपका यूट्यूब में चैनल, तो मैंने बताया मेरा चैनल का नाम है पीजे द व्लॉगर। तो भाई भी सर्च कर रहा हूँ रास्ते में, अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है भाई ने, तो भाई बता रहा था कि सब्सक्राइब करके आपकी वीडियो देखूंगा, तो मैंने उसको अपना चैनल नेम बताया। रास्ते में गए सब्सक्राइबर बढ़ाया, देखो ये देखो कितने सुंदर झंडे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है यहाँ पे, कैंपटी फॉल वाला वे है ये, मसूरी हम लोग नहीं गए, मसूरी से हमने शॉर्टकट रास्ता मारा था जैसा कि आपने देखा था। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे इस रास्ते पर आके और फटाफट यहाँ से निकलना है, अभी उन पहाड़ियों पर जाना है, उन पहाड़ी जो सामने आपको दिख रही है उससे भी हमें आगे जाना है। तो गाइस अभी चलते हैं आगे, रास्ते का आनंद लेते हैं क्योंकि मेनली सफ़र बहुत ज़्यादा दूर है, करीब करीब 118 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है देहरादून से और वहाँ पहुँचना है हमें। तो गाइस काफ़ी अच्छा यहाँ पे माहौल है और रोड से हम आगे आ चुके हैं, कैंपटी फॉल जस्ट मैं पहुँचने वाला हूँ अभी, तो सबके सब आगे निकल चुके हैं, मैं सबसे पीछे हूँ। तो गाइस वो आपको सामने जो दिख रहा है ना गाइस, पूरा का पूरा ये सारा कैंपटी फॉल है, ऑल ओवर कैंपटी फॉल।
तो मैं आ रहा हूँ करीब 10 साल बाद। तो गाइस बहुत सारा वक्त हो गया इस एरिया में आए हुए, वो जो सामने है पूरा फॉल है वहाँ पे। तो गाइस अभी जो मार्केट में आप गाड़ियाँ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। कैंपटी फॉल 12 के 12 महीने फुल रहता है, लोग यहाँ बहुत आने लग गए हैं, पहले इतने नहीं आते थे, अब मैं देख रहा हूँ मार्केट पूरी भरी हुई है। तो गाइस अभी आपको मैं एक स्पॉट दिखाने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जहाँ लोग बहुत फोटो खिंचवाते हैं, कैंपटी फॉल का मेन स्पॉट माना जाता है उसे। और पुल है, वो पुल के सामने एक वाटरफॉल है, सामने झरना दिखता है। तो अभी काफ़ी पानी कम है क्योंकि गर्मियों के दिन है और लोग गर्मियों में लुफ्त उठाने आए हैं पूरा पानी में ठंडक का और नज़ारों को देखने के लिए। तो काफ़ी दूर दूर से गाड़ियाँ आती हैं और मार्केट जैसा कि मैं देख रहा हूँ वैसे पूरा का पूरा भरा पड़ा है, पूरे के पूरे मार्केट में लोग ही लोग हैं और कोरोना का कोई खतरा नहीं है, इधर किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि मास्क वगैरह पहने थोड़ा, क्योंकि कोरोना अभी भी टला नहीं है। और जैसा कि मैं देख सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है गाइस, तो इस ट्रैफिक में भी गाड़ी निकालना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन पीछे तो ब्लॉगर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और गाड़ियों को पार करते हुए मैं फटाफट निकल जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि मेरे पास बाइक है। तो गाइस निकल गया मैं ट्रैफिक से बाहर और जैसा कि देख सकता हूँ आगे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, क्योंकि कैंपटी फॉल में मेन आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ बहुत दूर दूर से आती हैं और लगने वाली गाड़ियाँ बहुत सारी हैं यहाँ पे। तो यहाँ मैं रास्ता पूछता हूँ जरा इनसे, क्योंकि पंतवाड़ी का रास्ता मुझे पता नहीं है, क्योंकि नाग टिब्बा जाना है। तो रास्ता मैंने पूछ के आगे मैं निकल गया। तो नाग टिब्बा का जो रास्ता आपको काफ़ी सुनसान मिलने वाला है, क्योंकि बहुत कम गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे, आपको ज़्यादातर ट्रैवलर ही मिलने वाला है और लोग यहाँ फोटोशूट भी करते हैं काफ़ी, और काफ़ी ज़्यादा लोग भीड़ में आते हैं ट्रैवलर में, क्योंकि ट्रैवलर बहुत दूर दूर से लोगों को लेके आती है यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा जो पहाड़ के प्रेमी हैं, जो नेचर लवर्स हैं, वो यहाँ आते हैं, एंजॉय करते हैं, आके जगह देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सामने अभी मैं निकल गया हूँ वहाँ से भी आगे, और ये पूरा टिहरी गढ़वाल का रीजन है। और यहाँ से आगे चलते 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 मैं जा रहा हूँ, टीम का कुछ पता नहीं है, कोई कहाँ है कौन कहाँ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस वही है मेन मुद्दा कि इनको पकड़ा कैसे जाए, इनको ढूंढा कैसे जाए। तो आई थिंक मेरे आगे पीयूष की बाइक थी, तो आई थिंक वो लोग अभी मिल सकते हैं मुझे, क्योंकि मैंने जब उन्हें देखा था तो उस पहाड़ी से मुझे रोड पे दिखे थे वो लोग। तो आई थिंक उन्हें भी पकड़ पाऊँ ना पकड़ पाऊँ, बट कोशिश रहेगी कि फटाफट से मैं यहाँ पहुँच जाऊँ और फटाफट निकलूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे अब अकेले अकेले थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मैं बहुत देर से वेट कर रहा था, तो सामने ऐसा नज़ारा देख के दिल खुश हो जाता है गाइस, अकेले हो तब भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि नज़ारा ही इतना सुंदर है इतना खूब। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, लोग डांस कर रहे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, पहाड़ों के बीच में गाने लगा रखे हैं, सब खुद नाच रहे थे, बहुत अच्छा लगता है ऐसा देख के लोगों को। तो पीयूष मेरे आगे ही चल रहा था, तो शायद ये लोग कुछ खा रहे हैं, तो मैं चुपचाप से कुछ खा लेता हूँ, मन तो बहुत कुछ कर रहा है खाने का, भूख भी लगी थी। तो गाइस मैं खाना खा के हम लोग आगे आ गए हैं और यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं साथ में एक दूसरे के जाने का, थोड़ा रेस्ट ले लिया और अब यहाँ से निकलना है। तो गाइस अब यहाँ से फटाफट निकलने वाले हैं हम लोग, काफ़ी देर हो चुकी है, बहुत देर से हम लोग बाइक चला रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट ले लिया है। और अब डिसाइड करें कि करना क्या है, प्लानिंग पूरी हो चुकी है डिसाइड करने के बाद। अब यमुनोत्री वाला हाईवे हमें पकड़ना है और यहीं से हमें निकलना है सीधे के सीधे गाइस, और अब चलते हैं हम आगे की तरफ। और यहाँ से एक ब्रिज आने वाला है जिसमें मुझे रील बनानी थी, तो मैंने गूगल में देखा था, तो इसकी रील पक्का बनने वाली है। ऐसा हो रहा है मौसम और मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ, मेरी टीम जिम की जो पूरी टीम है वो रह गई है पीछे, क्योंकि मैं आ रहा था रिकॉर्डिंग करते हुए तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो गाइस कुछ ऐसा व्यू आपको दिखाना चाहता था मैं, वो नदी वहाँ से आ रही है और वो बीच से नदी आते हुए यार पहाड़ों के बीच में। तो गाइस सीधे चलते हैं अब खाने के लिए, तो अभी मैं यहाँ से मुझे यहाँ को जाना है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे पीछे जाना है क्योंकि खाना खाना है, भूख लग गई है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो गाइस खाना खा के सीधे मिलते हैं आपसे आगे। बहुत देर से हम लोग राइडिंग कर रहे थे, तो बताओ क्या पहले तो पहले हुआ ये कि ये लोग यहाँ पे बैठ के ऑर्डर कर रहे थे खाना और मैं बाइक लेकर सीधा निकल गया आगे और काफ़ी आगे निकल गया था और मैं वापस आया। तो खाना कुछ ऐसा बना हुआ है, अभी चावल भी मंगा रखे हैं, आलू की सब्जी, राजमा, थोड़े सलाद और रोटी, फुल पहाड़ी खाना। और ये पूरे के खाना खाते हुए देख सकते हैं, भूख सबको लगी हुई भयंकर वाली। बस खाने वाला राजमा और रोटी के साथ मज़ा आ गया। तो जस्ट अभी आते हुए जैसे मैं आ रहा था तो दिखाऊं मुझे ऐसा व्यू क्या लग रहा है यार, ये खेत
सामने नदी है तो डायरेक्ट पानी खेतों से ही आता, सर खेतों में आता हुआ नदी के द्वारा। तो जैसा मैंने बस गेस किया तो गाड़ी में थोड़ा फ्यूल कम हो रहा है, तो फ्यूल ठीक डलवाना है मुझे फटाफट। इस रास्ते से निकल के फटाफट चलते हैं आगे और फ्यूल स्टेशन ढूंढना है। तो यहाँ पे रास्ते में सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है, तो ऐसा मुझे बताया किसी ने, तो पंतवाड़ी के क्लोज ही एक पेट्रोल पंप है, तो वहीं से मैं फ्यूलिंग करने वाला हूँ गाइस अपने बाइक में, क्योंकि बहुत देर से पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि बहुत देर से बाइक चला रहा हूँ, करीब करीब 2 घंटे से बाइक चल रही है और पेट्रोल पंप आया है। तो गाइस यही एक पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पे पेट्रोल है 104.7 लीटर पर लीटर, आपको 104 रुपये से ऊपर का पड़ेगा। देहरादून से 1-1.5 रुपये महंगा है यहाँ पे पेट्रोल। तो यहाँ से आपको फ्यूलिंग करनी है, तो गाइस यहीं से आप टैंक को फुल कर लीजिए। तो मुझे भैया ने बोला कि पूरा घूम के आगे कि पीछे वाले पेट्रोल पंप पे आओ, यहाँ पावर वाला है। तो फिर उन्होंने यहाँ से पेट्रोल डाला, तो इन भैया ने भी मेरा चैनल पूछा, तो उन्होंने भी सब्सक्राइब कर दिया। तो फ्यूलिंग कर ली गाइस, अब आगे निकलते हैं। देखो गाइस ऐसे फटाफट से अब निकलोगे तो पहाड़ में बकरियाँ, आपको चिड़िया, कोई सी भी मतलब जंगली, आपको मुर्गी, बहुत चीज़ें आपको दिख सकती हैं रास्ते में। तो गाइस ये है वो एरिया जो काफ़ी डेवलप लग रहा है इन पहाड़ों के हिसाब से जब आप आएंगे। तो यहाँ से जो चौक है ना गाइस, यहाँ मैंने इनसे एड्रेस पूछा, तो इन्होंने मुझे बताया कि ऊपर की तरफ जाना है नाग टिब्बा की तरफ। तो नाग टिब्बा आपको यहाँ से पड़ेगा पंतवाड़ी विलेज। तो गाइस आपको इस चौक में आने के बाद सीधा नहीं जाना, वरना वो रास्ता सीधा यमुनोत्री के लिए निकल जाएगा। तो आपको जाना है ऊपर की तरफ जो निकलेगा नाग टिब्बा की तरफ। तो गाइस यहाँ पे मैं आया वहाँ से निकलते हुए, तो आगे मुझे ऐसा व्यू दिखा, कितना खूबसूरत है गाइस। देखो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा खेत है और वहाँ पे एक छोटा सा घर है किसी का बसा हुआ। तो काफ़ी मुश्किल से वो वहाँ पे आता जाता होगा, सामान लाता होगा, क्योंकि वहाँ रास्ता बहुत नॉर्मल रास्ता है, रोड नहीं है वहाँ। तो गाइस यहाँ से अभी हम ऊपर की तरफ निकलते हुए जाएंगे और मेरे को अब अपनी टीम को पकड़ना है, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाते बनाते बीच बीच में आ रहा हूँ तो काफ़ी लेट हो जा रहा हूँ। तो वो लोग थोड़ा सा आगे हैं और यहाँ से निकलते हुए मेरे को दिखी एक बाइक, तो आई थिंक मेरा टीम, हाँ तो ये मेरी पूरी टीम ही है। तो ये देखिए गाइस पूरी के पूरे सबके सब साथ में पहुँच चुके हैं, मैं ही सबसे लेट आया हूँ। तो क्यों, उसका रीज़न आपको पता है, मैं ब्लॉग बना रहा था, दैट्स व्हाई आई वाज लेट। सो ये है पूरी की पूरी टीम, तो सब मेरा ही वेट कर रहे थे आई थिंक। तो साथ में अब निकलेंगे हम यहाँ से फटाफट, तो टाइम देख लेता हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया है, तो यही बात चल रही थी कि टाइम ज़्यादा हो गया, फटाफट निकलो, साथ में चलो, छोटा रास्ता है। तो यही सोचते हम निकल गए अब आगे। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे रुका थोड़ा सा ऊपर आके, तो मैंने खुद को रोक नहीं पाया इस व्यू के चक्कर से। देखो गाइस कितना सुंदर खेत है। तो गाइस यहाँ से अभी आगे निकल गया हूँ और यहाँ पे बेंचेस देखो सर गाइस, यहाँ पे स्कूल की बेंचेस लगी हुई हैं। तो ये स्कूल है यहाँ पे, छोटा सा गाँव का, तो यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होती है, गाँव के सारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते होंगे क्योंकि स्कूल बहुत बहुत दूर होते हैं यहाँ पे। तो गाइस थोड़ा सा आगे आया तो मेरे को इस तरह का कुछ झरना दिखा, तो गौ माता के मुँह से पानी निकल रहा है। एक्चुअली में यह एक श्रोता है जिसमें गौ माता की शक्ल दे दी गई है और पानी बहता हुआ प्योर फ्रेश वाटर है गाइस, ये देखिए पूरा प्योर वाटर। और गाइस यहाँ पे हम जब आ रहे थे तो सामने सामने 2 बच्चे आए, तो काफल तोड़ के लाए थे पहाड़ों से, तो हमने इस काफल को ट्राई किया, काफ़ी खट्टे काफल थे, तो बेचारे लेके आए थे थोड़ा सा, लेकिन खा सब गए एक एक करके, तो किसी ने छोड़ा नहीं, सब ने हाथ मारा इन काफलों पर, तो काफ़ी फ्रेश काफल थे, तो मज़ा आ गया इनको खा के। तो गाइस हमसे कह रहे थे कि ये वहाँ से लेके आए हम ऊपर से, तो काफ़ी दूर से हमने मेहनत करी है, तो सब ने इनके काफल खाए हैं। तो गाइस देखो इतना अच्छा फूल हो रखा है इन पेड़ों में, इतना सुंदर वातावरण। तो गाइस कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको नेचर कैसा लग रहा है, आपको यहाँ का वातावरण कैसा लग रहा है। तो गाइस आई थिंक हम लोग पहुँचने वाले हैं नाग टिब्बा, क्योंकि हमने नीचे पता किया था, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर जब एरिया आने लग जाए, पेड़ों पर फूल दिखने लग जाए, तो किसी ने कहा था कि नाग टिब्बा आने वाला है। तो आई होप नाग टिब्बा हम क्लोज होंगे नाग टिब्बा के। तो गाइस जस्ट अभी जब हम आगे निकल रहे थे, सामने मुझे बोर्ड दिखा, बहुत ही खूबसूरत अक्षरों में लिखा है पंतवाड़ी में आपका स्वागत है। तो पंतवाड़ी में हम आ चुके हैं, तो ये है पंतवाड़ी विलेज जहाँ से शुरुआत होती है, और यहाँ पर आपको हर जगह धान ही धान और भूसा ही भूसा दिखने वाला है, क्योंकि अभी जस्ट खेती कटी है, तो यहाँ पे धान और गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है। बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा है, देखो गाइस कितना अच्छा खेत है यहाँ पे, कितना सुंदर है देखो। और टाइम हो रहा है 5:11, ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिला कहीं किसी ब्लॉग में, मुझे बताओ गाइस कितना सुंदर जगह है, देखो है ना जन्नत, मज़ा आ गया यार देख के। तो गाइस चलते हैं अब आगे, नाग टिब्बा पहुँचना है यार, आज तो मुश्किल लग रहा है। आज वो लोग कह रहे हैं कि बेस कैंप में पहुँच पाएंगे, क्योंकि शाम के 5 बज गए हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम सुबह 12 बजे के निकले हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है और अंधेरा भी होने आ रहा है।
हिसाब से। नाग टिब्बा का रास्ता कहाँ से होगा? थैंक यू। बहुत ही भयंकर गांव वाला रास्ता। आई थिंक यहाँ धान की खेती होती है बहुत ज़्यादा, गेहूँ वगैरह बहुत होता है, धान बहुत होता है। बादल लग चुके हैं, भयंकर बारिश होने वाली है यार। लगता है बेस कैंप पहुँच नहीं पाऊँगा जिस तरह से बादल लगे हैं, तो मैं बेस कैंप में ही रुकना पड़ सकता है गाइस, क्योंकि मौसम भी ख़राब है और अंधेरा भी हो गया, शाम का टाइम भी हो चुका है। तो नाग टिब्बा पता नहीं पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे उस हिसाब से। और मोटरेबल है, रास्ता बहुत ख़राब है, यहाँ से भी लोग पैदल आते हैं नीचे बाइक रख के, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना बाइक लेके चलेंगे, थक चुके हैं हर कोई यार, और 200 किलोमीटर ज़्यादा गाड़ी चला चुके हैं लोग, सब थक चुके हैं, भयंकर वाला थकान हो चुके हैं। और चले जा रहे हैं अभी रास्ते में, देखते हैं क्या रहता है यार, पहुँच जाए कुछ ऐसा दिख सकता है आपको कहीं से और से जो नज़ारा था नीचे का। देखो गाइस कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, देखो गाइस है ना सुंदर, ज़बरदस्त। आमा सांस लेके आनी है, आज पहुँचना हमें लग रहा था मुश्किल, लग रहा है यहाँ पे हैं बंदे हैं, कतई भयंकर बोले गए, कतई भयंकर उंगली में भी लग गई यहाँ, भयंकर वाले गिरने लग गए भाई, मोटे मोटे वाले गिर रहे हैं अब तो भाई, बीच वालों में गीला हो रहा हूँ, भयंकर गोले गिर रहे हैं, ऐसा एडवेंचर देखा गाइस, ओले गिर रहे हैं भयंकर, और मौसम देखो मोटे मोटे ओले गिर रहे हैं भाई, दो तीन तो हाथ फोड़ चुके हैं मेरे, और भयंकर मौसम की मार खेलते हुए हाथ हो गए बर्फीले, एकदम ठंडे एकदम कूल। तो भाई अब तो कहीं रुकना पड़ेगा, नहीं तो भयंकर सीन हो गया यहाँ तो। ओ भाई साहब ओले 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 ओले, अभी तो सीट देखनी पड़ेगी, चलो सत्यानाश हो जाएगा हम लोगों का, तो सहन के बाहर हो गया रोले, अबे यार भीगना नहीं था यार, भीगना नहीं था, ठंडे हुए गिरना, बारिश होगी तेज, और मैं पूरा क्या हूँ भीग, मतलब गाइस पूरा भीग चुका हूँ, पूरा पर तो पूरा भीग चुका है शरीर, टी शर्ट भी लेके आया अलग से, जैकेट तो पूरा भीग चुका है भाई, देखो कांप रहा हूँ। कितना गीला हुआ हूँ तो कैमरे की हालत ख़राब नहीं है, आई होप मुझे कवर मिल गया, और ये हो चुका है मौसम कुछ ऐसा, बादल पूरे घिर चुके हैं और शरीर पूरा गीला हो चुका है, पूरा बॉडी गीली है, लेकिन एडवेंचर का जोश इतना ज़्यादा है कि क्या बताएं। बस तूफान आ गया इधर भयंकर वाला, समझ रहे हैं, मुँह के 12 बज गए, ये एडवेंचर, ये एडवेंचर है, और सब भीग चुके हैं, सब के सब ने ओले खाए हैं, और जिसकी टांट खाली थी उसकी टांट भी फूटी है। तो गाइस ऑफ रोडिंग होने वाली भयंकर वाली, अभी तक तो अच्छा था ना रास्ता, ये ऐसा लग रहा है कली खोद के बनाया, लेट्स सी कितनी देर में। ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई कैसे राइडिंग कर रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं, हम जाए जा रहे हैं, हम रुक क्यों नहीं रहे, वे यार फट चुकी मेरी भाई, घुटने दर्द करे, बुढ़ा आदमी हूँ भाई मैं, बुढ़ापे की मार झेल रहा मेरा घुटरा, अरे ऑफ रोड यहाँ पिछवाड़े सुन लो गए भाई, पहाड़ी फ्रूट प्रोटीन का सोर्स, मैन वर्सेस वाइल्ड में आपने देखा होगा गाइस, ये है देखो गाइस ये किस किस ने खाया है, कमेंट में कमेंट करो मुझे कि किस किस ने खाया, देखो इतना बढ़िया लग रहा है, ये तो लग रहे वो बूंदी के लड्डू, बड़े मीठे हैं यार, हटियो अटैक मोड में पी गया, मजा आ गया, 1000 रुपये का पेट्रोल गाइस, 1000 रुपये का पेट्रोल खर्च किया था खाने के लिए,
भाई सुबह इसी रास्ते जाना भी है, ध्यान रखना। लकड़ी तो ले रही बड़ी वाली।